नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करेंगे आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है वैश्विक महामारी भारत और खाड़ी देश से संबंधित। तो बात करेंगे हम लोग कि आखिर ये अभी चर्चा में क्यों है, उसे देख लेंगे। तो जो आपके खाड़ी देश हैं इनका इतिहास क्या रहा है खाड़ी देशों का, उसे भी देख लेंगे। और क्या है आपकी खाड़ी सहयोग परिषद, उसे भी देखेंगे। खाड़ी देशों के सामने क्या चुनौतियां हैं अभी, उसे भी देख लेंगे। तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के बारे में बात जानेंगे। भारत के समक्ष चुनौतियां क्या हैं, उसे भी देख लेंगे। भारत के लिए खाड़ी देशों का महत्व क्या है, उसे भी जान लेंगे। भारत के लिए अवसर क्या है, उसे भी जानेंगे। और आगे की राय क्या हो सकती है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, इस समय खाड़ी क्षेत्र कई झंझावतों के केंद्र में है, जहां एक ओर कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रसार से मानवीय गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो वहीं दूसरी ओर कच्चे तेल के मूल्य में गिरावट से खाड़ी देशों पर दोहरी मार पड़ रही है। इस दोहरे खतरे को संतुलित करने के लिए समन्वित व सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है। भारत के प्राचीन काल से ही खाड़ी देशों के साथ महत्वपूर्ण संबंध रहे हैं। खाड़ी देशों के साथ भारत के न केवल व्यापारिक संबंध रहे हैं, बल्कि सांस्कृतिक व राजनीतिक संबंध भी रहे हैं। वर्तमान में खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय लोग कार्य कर रहे हैं। चूंकि इस समय खाड़ी देश विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहा है, इसलिए इन देशों में कार्यरत भारतीय लोगों को भी विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भारत सरकार ने खाड़ी देशों के साथ सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। भारत अपनी जरूरत का 65% गैस और कच्चा तेल खाड़ी देशों से ही प्राप्त करता है। खाड़ी क्षेत्र में 90 लाख प्रवासी भारतीय आके निवास करते हैं, जो लगभग $40 बिलियन की धनराशि भी प्रेषण के माध्यम से भारत को भेजते हैं। अब बात करते हैं हम लोग खाड़ी देशों का इतिहास। सामान्यतः जब खाड़ी देशों की बात की जाती है, तो मुख्य रूप से आपका कुवैत, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और बहरीन को शामिल किया जाता है। ये 6 देश खाड़ी सहयोग परिषद के संस्थापक सदस्य हैं। इन सभी देशों की सीमा फारस की खाड़ी से मिलती है, इसलिए इन देशों को सामरिक रूप से खाड़ी देश के रूप में जाना जाता है। याद रहे कि ईरान व इराक की भी सीमा फारस की खाड़ी से मिलती है और खाड़ी देशों में इनकी गिनती होती है, परंतु दोनों ही देश सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक कारणों से खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य नहीं है। कौन? ईरान और इराक, याद रखिए। अब बात करते हैं क्या है आखिर आपकी एक खाड़ी सहयोग परिषद। खाड़ी सहयोग परिषद अरब प्रायद्वीप में 6 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है, जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। वर्ष 1981 में स्थापित GCC 6 देशों के बीच आर्थिक सुरक्षा, सांस्कृतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देता है और सहयोग तथा क्षेत्रीय मामलों पर चर्चा करने के लिए प्रत्येक वर्ष एक शिखर सम्मेलन आयोजित करता है। सुरक्षा विशेषज्ञों ने खाड़ी सहयोग परिषद को अरब नाटो की संज्ञा दी है। खाड़ी सहयोग परिषद का मुख्यालय रियाद सऊदी अरब में स्थित है। खाड़ी सहयोग परिषद के कार्य संचालन की भाषा आपकी अरबी है। वर्ष 2019 में खाड़ी सहयोग परिषद का 40वां शिखर सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। अब बात करते हैं खाड़ी देशों की चुनौतियां क्या हैं अभी। जैसा कि आपको पता होगा कि वैश्विक लॉकडाउन के कारण हाइड्रोकार्बन की खपत में कमी आ गई। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण के बाद कच्चे तेल के उपभोग में प्रतिदिन 28 मिलियन बैरल की गिरावट दर्ज की गई है। कच्चे तेल की मांग में अत्यधिक गिरावट के कारण उत्पादन कम करने को
लेकर तेल उत्पादक देशों के संगठन रूस के मध्य हो रही वार्ता विफल हो गई। परिणाम स्वरूप मांग में कमी व उत्पादन जस का तस बना रहने के कारण कच्चे तेल के मूल्य में अप्रत्याशित गिरावट हुई। जब मांग में कमी हो जाए और उत्पादन बराबर बना रहे तो आपके मूल्य में गिरावट तो होगी, ठीक। तेल उत्पादक देशों के संगठन और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के आकलन के अनुसार वर्ष 2020 में दूरगामी आर्थिक और सामाजिक परिणामों के साथ विकासशील देशों के तेल और गैस राजस्व में 50% से 85% की गिरावट आई है। वर्ष 2020 में सऊदी अरब का राजकोषीय घाटा 8% से अधिक हो जाने की संभावना है। संयुक्त अरब अमीरात एक पर्यटन गंतव्य देश है। वैश्विक लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में तीव्र गिरावट हुई है। वैश्विक महामारी COVID-19 के प्रसार के कारण खाड़ी देशों में आयोजित होने वाले हज व उमरा जैसे धार्मिक कार्यक्रमों को भी स्थगित किया जा सकता है। वैश्विक महामारी COVID-19 ने से ईरान व्यापक तौर पर प्रभावित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ईरान अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सहायता भी नहीं प्राप्त कर पा रहा है। अब बात करते हैं तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के बारे में। ओपेक एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन 10 से 14 सितंबर 1960 को आयोजित बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने किया था। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने, ठीक है। इन 5 संस्थापक सदस्यों के बाद इसमें कुछ अन्य सदस्यों को शामिल किया गया। ये देश हैं आपका कतर 1961 में, इंडोनेशिया 1962, लीबिया 1962, संयुक्त अरब अमीरात 1967, अल्जीरिया 1969, नाइजीरिया 1971, इक्वाडोर 1973, अंगोला 2007, गेबन 1975, इक्वेटोरियल गिनी 2017, कांगो 2018, ठीक है। इक्वाडोर ने दिसंबर 1992 में अपनी सदस्यता त्याग दी थी, लेकिन अक्टूबर 2007 में हुए पुनः ओपेक में शामिल हो गया। इंडोनेशिया ने जनवरी 2009 में अपनी सदस्यता त्याग दी। जनवरी 2016 में यह फिर से इसमें सक्रिय रूप से शामिल हुआ, लेकिन 30 नवंबर 2016 को ओपेक सम्मेलन की 171वीं बैठक में एक बार फिर इसने अपनी सदस्यता में स्थगित करने का फैसला किया है। गेबन ने जनवरी 1995 में अपनी सदस्यता त्याग दी थी, हालांकि जुलाई 2016 में वह फिर से संगठन में शामिल हो गया। कतर ने 1 जनवरी 2019 को, इक्वाडोर ने 1 जनवरी 2020 को अपनी सदस्यता त्याग दी। वर्तमान में इस संगठन में आपके सदस्य देशों की संख्या 13 बची, कितनी 13। बात करते हैं भारत के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं। आखिर भारत के समक्ष चुनौतियां, वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हो सकती है तथा इसका सबसे बड़ा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि भारत सबसे ज्यादा कच्चे तेल का आयात सऊदी अरब से ही करता है। खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा भारतीय कामगार काम करते हैं। इन देशों में यह संख्या लगभग आपकी 90 लाख है। इन कामगारों के द्वारा बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भारत को भेजी जाती है, अतः इस संकट से ऋण पर असर पड़ सकता है। इस वैश्विक संकट से उभरी उपस्थिति में नए कूटनीतिक तालमेल बैठाने की जरूरत पड़ेगी। इस महामारी के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में खाड़ी देशों में रह रहे कामगार भारत वापस आ पाएंगे जाएंगे, जिससे इन लोगों को अर्थव्यवस्था में समायोजित करना एक बड़ी चुनौती होगी। खाड़ी देशों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर भी बड़ी संख्या में भारतीय कामगारों को नौकरी से निकाल सकते हैं, जिससे उन देशों में निवास कर रहे लोगों की समक्ष जीवन का संकट उत्पन्न हो जाएगा।
ईरान इस वैश्विक महामारी से व्यापक तौर पर प्रभावित हुआ है। परिणाम स्वरूप भारत द्वारा विकसित किए जा रहे चाबहार बंदरगाह के परिचालन में समस्या उत्पन्न होने की संभावना है। इस समय चीन द्वारा कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण पाया जा सका है। ऐसे में चीन द्वारा अपने सॉफ्ट पावर का उपयोग करते हुए खाड़ी देशों को पहुंचाई गई सहायता उसे अपेक्षाकृत इन देशों के नजदीक ला सकती है। बात करते हैं भारत के लिए खाड़ी देशों का महत्व। वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत और खाड़ी देशों के बीच लगभग 162 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ है। यह एक वर्ष में भारत के द्वारा पूरे विश्व के साथ किए जाने वाले व्यापार का 20% है। लगभग 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस खाड़ी देशों से आयात की जाती है। खाड़ी देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय लगभग 40 बिलियन डॉलर की धनराशि भी प्रेषण के माध्यम से भारत भेजते हैं। सऊदी अरब भारत को हाइड्रोकार्बन आपूर्ति करने वाला इस क्षेत्र का सबसे प्रमुख देश है। आपका भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। खाड़ी क्षेत्र हमारी विकास की अहम जरूरतों जैसे ऊर्जा संसाधन, कॉरपोरेट क्षेत्र के लिए निवेश के मौके और लाखों लोगों को नौकरी के भरपूर अवसर देता है। यहाँ ईरान हमें अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरोप तक पहुँचने का रास्ता उपलब्ध कराता है, तो वहीं ओमान हमें पश्चिम हिंद महासागर तक पहुँचने की राह दिखाता है। बात करते हैं भारत के लिए भावी अवसर। भारतीयों के लिए भली ही इस समय खाड़ी देशों में नौकरी के अवसर कम हो रहे हों या भारत सरकार को यहाँ से विदेशी मुद्रा कम मिल रही हो, लेकिन इन देशों में अर्थव्यवस्था के बदलाव की प्रक्रिया भारत के लिए बड़ा मौका भी है। इन देशों में दूसरे देशों में निवेश के लिए बड़े बड़े फंड बनाए। भारत पहला काम तो यही कर सकता है कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए खाड़ी देशों से ज्यादा निवेशकों को यहाँ आमंत्रित करें। बीजन 2030 के अंतर्गत सऊदी अरब की एक बड़ा वैश्विक निवेशक बनने की भी योजना है। भारत अगर सऊदी अरब के इस लक्ष्य में सहयोगी बनता है और भारी निवेश हासिल कर पाता है तो इससे देश के बंदरगाहों, सड़कों, रेल नेटवर्क का कार्यकल्प हो सकता है। सऊदी अरब और रूस के बीच वार्ता के विफल होने से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट बनी हुई है। इनके निकट भविष्य में ऊपर जाने के आसार भी नहीं लग रहे हैं। यह ऐसा मौका है जब भारत अपना चालू घाटा कम कर सकता है। इससे जो बचत होगी उसे आर्थिक गतिविधियों को तेज करने में लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं आखिर आगे की क्या राय है। भारत को खाड़ी देशों के साथ तालमेल के लिए नए चालकों को खोजने की आवश्यकता है। यह खोज स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग के साथ शुरू हो सकती है और धीरे धीरे दवा अनुसंधान और उत्पादन, पेट्रोकेमिकल, भारत में बुनियादी ढांचे के निर्माण और तीसरे देशों में कृषि, शिक्षा, कौशल के साथ साथ अरब सागर में निर्मित द्विपक्षीय मुक्त क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों की ओर बढ़ सकती है। अंततः यदि भारत खाड़ी सहयोग परिषद के मुक्त व्यापार क्षेत्र में शामिल हो जाता है तो निश्चित ही ऐसे ही झटकों से बचने के लिए भारत और खाड़ी देशों के आर्थिक संबंधों में पर्याप्त विविधता लाई जा सकती है। भारत को इस संकट से बाहर निकलने के बाद अपने एक्ट वेस्ट नीति का विस्तार देना चाहिए। ठीक है, ये थी आपकी खाड़ी देश और भारत के बारे में। ठीक, आपको समझ में बेहतर आ गया होगा।